राइट सुनील, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। आपका ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज में स्वागत है। हमने रिसेंटली ये लॉकडाउन के चलते और कोविड में आपको बताइए कि वे तो हमने पॉडकास्टिंग चालू की थी एंड वेर हमारा जो पॉडकास्ट सीरीज है वो इंडिया का पहला फिटनेस पॉडकास्ट सीरीज है। हमने पहले चालू किया था IFBB प्रोज के साथ, उनकी जर्नी के साथ, उनसे बहुत सारे टफ क्वेश्चंस पूछे कि वो अब कहाँ गायब हो गए हैं वगैरह वगैरह। साथ में हमने चालू किया मसल मॉन्स्टर्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे मैसिव बॉडी बिल्डर्स के साथ जो अब आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करेंगे। और ये थर्ड सीरीज़ है हमारी विच इज़ विद वेरी वेरी एजुकेटेड पीपल सच एज़ योरसेल्फ सुनील। इसमें हम बात कर रहे हैं अतिंदर जी से, जो कि पंजाब बेस्ड, चंडीगढ़ बेस्ड एक बहुत सीनियर कोच हैं, बॉडी बिल्डिंग के प्रेप कोच हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट हैं। एंड वी हैव यू सुनील शिरोन। सुनील, वंस अगेन वेलकम। इस शो में, आज के पॉडकास्ट में हम कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं जो यूट्यूब के माध्यम से या फिर ऑनलाइन में आजकल सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक हैं, चाहे वो एनाबॉलिक्स हैं, स्टेरॉयड है, साइकिल है, डब्बे है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और आप तो फार्मा बैकग्राउंड से हैं, हु बेटर देन यू कैन एक्सप्लेन दिस। सो सुनील, वेलकम अगेन। प्लीज़ अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू निपुन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। तो मेरा नाम सुनील शिवरान है एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी एक फार्मा प्रोफेशन में जॉब करता हूँ। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस है। अब बात करते हैं कि मेरा फिटनेस से क्या रिलेशन है। तो आउट ऑफ माय पैशन, मैं हमेशा से अपनी एजुकेशन, जब आई वाज परस्यूइंग माय एजुकेशन, उसी टाइम से मैं फिटनेस से जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव एक्वायर्ड सर्टेन सर्टिफिकेशन और अभी आउट ऑफ माय पैशन मैं बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होते हैं उनकी कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करवाता हूँ। हालाँकि वो जज मैं अपने माध्यम से करता हूँ कि मुझे किन लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि और भी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। तो जो मुझे फील होता है कि हाँ, मुझे जेन्युइनली इसकी हेल्प करनी है, क्योंकि मैं एक जॉब में भी हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी एक फुल टाइम जॉब भी है इन द फार्मा वर्ल्ड, मतलब मेडिसिन वर्ल्ड में, फार्मा वर्ल्ड में आपकी फुल टाइम जॉब भी है। उसके बारे में कुछ बताइए, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपने बोला आपके पास सर्टिफिकेशंस भी हैं फिटनेस रिलेटेड, तो क्या क्या सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं? ओके, तो मैं क्लिनिकल ट्रायल डिस्क्लोजर, एक डोमेन होता है जहाँ पे कोई भी मार्केट में ड्रग आने से पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। आपने अभी कोविड का भी देखा होगा, जब से कोविड आया लोगों को आइडिया हुआ है कि क्लिनिकल ट्रायल एक्चुअली होते क्या हैं। तो मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो ये है कि क्लिनिकल ट्रायल्स का, हम जितने भी MNCs हैं, मान लो कोई US में है, कोई EU रीजन में है, तो हम उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं कि उनका जो ड्रग है, उसका जो भी क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, उसका जो भी डेटा आया है, वो सर्टेन एजेंसीज को उनको शो करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे उनको अप्रूवल मिलता है। तो हमारा काम यह है कि उन चीज़ों को देख के, एनालाइज करके, कुछ डेटाबेस होते हैं जहाँ पे हमको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट शो करने होते हैं। तो ये मेरा अभी फ़िलहाल प्रोफेशन है। और फिटनेस की मैं बात करूँ, 2011 में मैंने एस किया था एंड देन हर साल उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और उस टाइम मेरी एजुकेशन चल रही थी, क्योंकि मुझे इस फील्ड में कोई ट्रेनर नहीं बनना था, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था। बट अभी फ़िलहाल मैंने ईरेप्स किया हुआ है और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स साइंस का एक कोर्स होता है, जिसमें कि न्यूट्रिशन को कैसे अप्लाई करना है, जो भी एथलीट होते हैं पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के हिसाब से उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो उनकी क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। तो वो कोर्स करने के बाद मुझे फील हुआ कि हाँ, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिथ है और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों का, वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो वहाँ से मैं फिर और ज़्यादा डीपली इस चीज़ में आया एंड आपको पता है कि फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, एक टाइम पे 250-300 ड्रग्स के स्ट्रक्चर याद किए थे। अभी मैं लोगों को देखता हूँ कि एनाबॉलिक गुरु बने फिर, तो मेरे को फील होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, एनलाइटमेंट की ज़रूरत है। एंड गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू कि सुनील के आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज़रूर जाइए, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। और ये जो साइड में आप फीड देख रहे हैं सुनील के इंस्टाग्राम अकाउंट की है, बिल्कुल निडर होके सुनील उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो इंडस्ट्री में गलत बातें फैला रहे हैं, यू नो, इंडस्ट्री के बॉडी बिल्डर्स को या अपकमिंग एथलीट्स को मिसगाइड कर रहे हैं सिर्फ थोड़े व्यूज़ के लिए, थोड़े मसाले के लिए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको सुनील के इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिलेगी, तो प्लीज़ रिमेंबर टू फॉलो हिम ऑन हिज इंस्टाग्राम अकाउंट। नाउ बैक टू यू सुनील।
सुनील, आज का हमने दो तीन, मेरे दिमाग में दो तीन वो सवाल हैं जो मैं आपसे डेफिनेटली बात करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा डिटेल में उनके बारे में बताएं, क्योंकि एक सुपरफिशियल लेवल की बातें तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी हैं और गुरुजीज़ और अच्छे कोचेज़ वगैरह अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं, बट साइकिल है क्या? सबसे पहले तो मैं ये फैंटेसी वर्ड जो है ना, साइकिल साइकिल साइकिल, हाँ, तू तू क्या माल ले रहा है, तू क्या रॉइड्स ले रहा है वगैरह वगैरह. आजकल तो जो नहीं भी कुछ भी कर रहा है ना, जिसकी बॉडी नहीं भी है ना, उसको प्रोफेशनल कंपीट करना, उसको भी मज़ा आता है ये फील करने में या कहने में कि एक साइकिल तो मैंने भी चला रखी है. वो बाइसाइकिल की बात कर रहा है, टोबू साइकिल की बात कर रहा है, या वो रॉयड साइकिल की बात कर रहा है. तो प्लीज़ टेल अस अबाउट ये साइकिल चक्कर क्या है. तो मैं एकदम बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। कोई भी ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी एक नेचुरल एबिलिटी होती है, एक पर्टिकुलर रेशियो में मस्कुलर होने का। आप देखोगे तो आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं FFMI, फैट फ्री मास इंडेक्स। तो नेचुरली जितना बॉडी में हमारे टेस्टोस्टेरोन बनता है, हालांकि ड्यू टू सर्टेन जेनेटिक वेरिएबिलिटी वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, राइट। बट ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी। ओके, तो जब हम बात करते हैं एनाबॉलिक्स की, अगर आपको उस नेचुरल स्टेज से एक कदम ऊपर जाना है, जो कि नेचुरली पॉसिबल है ही नहीं, तो आप अपनी बॉडी में ऐसे कुछ ड्रग्स डालते हो जिनको कि पीडीज बोल देते हैं या फिर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स बोल देते हैं। अब जो सबसे मेन बेसिक कंपोनेंट है वो होता है बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर एंड्रोजन्स, राइट। एंड हमारी बॉडी नहीं नेचुरली नहीं नहीं जो नहीं नहीं सबसे रुके रुके रुके, एंड्रोजन्स राइट, ऐसे नहीं छोड़ सकते. एंड्रोजन्स क्या होता है? ओके मैं अब आपको बताता हूँ। देर आर सर्टन कंपाउंड्स जो कि बॉडी में बॉडी खुद भी बनाती है। अब फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा 14-15 साल का हुआ तो उसको आदमी बनने के लिए सर्टन उसकी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होने चाहिए, जैसे कि फेशियल हेयर आना, उसकी जो वॉइस है वो थोड़ा सा हार्श होना, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं उसकी बॉडी में, स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका स्टार्ट होना, तो उन सब चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्पॉर्टेंट है। अब हमारी बॉडी की एक लिमिटेशन होती है कि वो उतना ही बना सकती है। जैसे जैसे प्यूबर्टी में वो इंक्रीज होता है, डाउन द लाइन आप जैसे 30-35 साल के बाद जाओगे तो हर साल वो रिड्यूस भी पॉइंट फाइव होगा. से 1% कम भी होगा। तो बॉडी बिल्डिंग में क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा मसल उनको चाहिए विदाउट फैट, तो उन सब चीज़ों के लिए एक्सटर्नल एक्सोजेनस उनको ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो बेसिकली उसी का नाम होता है जिसको कि आप एनाबोलिक साइकिल बोलते हो। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे आता है, अब इनकी भी बहुत सारी सिंथेटिक अलग अलग इनकी क्लासिफिकेशंस होती हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली चीज़ है, जब यूएस एंड रशिया में जब कोल्ड वार था तो बेसिकली दोनों कंट्रीज बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट थी, तो उनके प्लेयर भी ओलंपिक्स में खेलते थे, यहाँ खेलते थे। तो उनके जो R&D वहाँ पे जो भी उनके साइंटिस्ट थे, उन्होंने परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए इन सब चीज़ों को स्टार्ट किया। सबसे पहले जैसे आप सबसे कॉमन जो सुना होगा, 1950s 1960s में वहाँ पे डायनाबोल का इन्वेंशन हुआ था, वहाँ पे उसको सिंथेटिकली उन्होंने अपनी लैब में बनाया था, फिर उसको दिया था। तो ऐसे ऐसे एडवांसमेंट होती जाइए, और आज के टाइम तो ऐसे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि 25-30-45 आप पेपर पे लिखते जाओ, बस उनकी क्लासेज हैं, बहुत ही सारी क्लासेज हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी यह है कि लोगों को उनके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, और बस यह है कि अगर मुझे किसी दोस्त ने दिया, मुझ पर अच्छे आए रिजल्ट, तो मैं उस चीज़ को बांटना चालू कर दूंगा। तो उससे क्या होता है कि एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट टू रिस्क रेशियो जो है वो सरपास हो जाता है। तो प्रॉब्लम सारी बिल्कुल वहाँ से आती है। और दूसरी चीज़ यह कि इन सब चीज़ों को एक्वायर करना इतना ईजी हो गया है। बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें शेड्यूल एक्स में आती हैं, कि अगर आपको नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन भी लेने जाना तो आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, लेकिन इंडिया में इतना ईजिली अवेलेबल हो जाता है, इतनी सारी अंडरग्राउंड लैब है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं मार्केट में, क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए। ओके. तो ये डेना डेका ट्रेन तो काजू बादाम की तरह हो गए हैं आजकल. क्या है सीरियसली रियली इतने ज़्यादा आसान है लेना इनको? हर किसी को लेते ही रहना चाहिए? क्या ये साइकिल का पार्ट नहीं है? क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं? प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट ये जो बेसिक काजू बादाम ऑफ एनाबॉलिक्स है, इनके बारे में. देखो, कोई भी एनाबॉलिक हो, इवन देखो कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग है, इनफैक्ट आप पैरासीटामोल भी लेने जाओगे ना, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। हर एक ड्रग की एक थेरेप्यूटिक डोज होती है, जो कि डोज डिफाइन होती है क्लिनिकल ट्रायल के बाद में, कि हाँ
400 से 1000 mg पैरासिटामोल की थेरापेटिक विंडो, उससे ज़्यादा, उससे कम लोगों तो इफेक्ट नहीं आएगा, उससे ज़्यादा अगर लोगे तो उसका जो, उसकी जो एडवांटेज है उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो भी ड्रग आप लेते हो उसको बॉडी अब्जॉर्ब करेगी, उसको मेटाबोलाइज होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड देन एक्सक्रीशन होगा। तो ऑब्वियसली बात है, मोस्ट ऑफ द जो भी मेजोरिटी ऑफ ड्रग होती है उनका लीवर के अंदर उनका सारा का सारा मेटाबॉलिज्म होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऑर्गन्स को भी इम्पेक्ट करते हैं। ऑल दो एनाबोलिक्स काम करते हैं, लेकिन दे शुड बी यूज अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस, उस बंदे के अंडर जिसको इन चीज़ों की नॉलेज हो। पहली चीज़ तो इनको यूज़ ही नहीं करना चाहिए, बट हाँ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यूज़ नहीं करना चाहिए तो वो थोड़ा सा बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ स्पोर्ट्स की नीड है और डिमांड बन चुकी है। इसके अलावा आप किसी इंटरनेशनल शो में कम्पीट ही नहीं कर सकते हो। इंटरनेशनल के आप देसी शो में भी, मिस्टर जहांगीरपुरी में भी कंपीट नहीं कर सकते हो आप, है ना? हाँ, ये तो ट्रेंड है आजकल का कि कोई भी छोटा से छोटा शो हो तो भी ये लेना ही लेना है। अगर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ये चीज़ें दी जा रही हैं बच्चों को, ऐसा नहीं कि भाई जो चीज़ 6 महीने में अचीव होनी है 2 महीने में मैं तुझे ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। देख, मैं, लोग अपने आप को जादूगर बोलते हैं ना कि आ तू मेरे पास आ, 6 हफ्ते में तुझे इतना वेट कम करा दूंगा, ये करा दूंगा, तो बेसिकली वो चीज़ नेचुरली पॉसिबल तो नहीं है, इन्हीं करा भी चीज़ों की तो वजह देते से हैं, होता उसमें है। प्रॉब्लम क्या है? तो करा देते हैं और उसने अगर सेफ लिया है तो उसका तो फायदा हो गया ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बट आप इस चीज़ को देखो ना, 6-8 हफ्ते में आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो कि वो सेफ है? क्योंकि आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, जब हमको कोई चीज़ अंदर से डैमेज कर रही है तो उस टाइम पता नहीं चलेगा। हमारी बॉडी, अगर कोई भी ऑर्गन अगर हैम्पर होता है तो वो धीरे 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 हमारी बॉडी बाहर थोड़ा थोड़ा उसको बताने के लिए सिग्नल्स भेजती है। ऐसे नहीं कि आज मेरा लीवर हुआ डैमेज तो मुझे आज ही पता चल जाएगा, मुझे आज पता नहीं चलेगा, मुझे हफ्ता 2 हफ्ते बाद पता चलेगा। और अगर मैं स्पेसिफिकली किडनी की बात करूं, अगर हमारी एक किडनी ख़राब भी हो जाती है तो आदमी एक किडनी पे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो जो दूसरी वाली किडनी जब डैमेज होना स्टार्ट होती है तो उसका रेट 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा होता है। तो वो चीज़ें बाद में पता चलती हैं कि उसने क्या हमारी बॉडी को डैमेज किया है। तो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक ना, वो टॉपिक तो हमने शुरू करते ही खत्म कर दिया। साइकिल क्या होती है? आप उस टॉपिक के बारे में मुझे बताओ। देखो, आप, मैं आपको 30 सेकंड्स के अंदर जो एक आजकल का ट्रेंड है ना साइकिल, वो मैं बता देता हूँ। आप मेरे पास आए कि मुझे 8 8 हफ्ते में वेट गेन करना है, मैं आपको 3 सॉल्ट दे दूंगा, टेस्टोस्टेरोन दे दूंगा, बोल्डिनोन दे दूंगा, या फिर कोई भी एक्सपेजर और दे दूंगा। उसके साथ में मैं एस्ट्रोजन कंट्रोल करने के लिए आपको कोई भी मैं आपको जो भी एनास्ट्रोल दे दूंगा, एरोमेसिन, अरिमिडेक्स, कोई भी एस्ट्रोजन ब्लॉकर है वो मैं दे दूंगा। फिर 8 हफ्ते तक मैं आपको देता जाऊंगा, आपकी बॉडी में अच्छा फील आ रहा है, आपका साइज गेन हो रहा है, आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सवाइजेड। फिर उसके बाद में एक पॉइंट आएगा, ठीक है, हाँ अब 8 हफ्ते हो गए, अभी हमें ये चीज़ें लेना छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में उनको वो SCG दे देते हैं, क्योंकि वो 2000 और 5000 IU में ही आता है, तो बस एक साथ ही वो शॉट मार लिया। उसके बाद में अगर आपने टेस्टोस्टेरोन लॉन्ग एस्टर यूज़ किया तो 14 दिन के बाद में क्लोमिड प्लस नोलवा, और आपने छोटा एस्टर यूज़ किया तो 7 दिन के बाद में क्लोमिडोनोलवा। ये एक टिपिकल साइकिल है जो कि 99% लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये साइकिल ऐसी नहीं होती। आप एक ही आदमी पे सारी चीज़ें सेम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। साइकिल से पहले आपको अपना ब्लड वर्क करना होगा, साइकिल के बीच में ब्लड वर्क करना होगा, एंड PCT करने से पहले भी आपको ब्लड वर्क करना होगा, एंड PCT के बाद में भी ब्लड वर्क करना होगा। तो बेसिक ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। तो व्हेन यू से ब्लड वर्क, व्हाट डज इट मीन? इट मींस के हमारी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन रोज हमारे ब्लड में जितना होता है उसको छोड़ती है, राइट? अब वो बाउंड फॉर्म में भी होता है और वो फ्री फ्लोइंग फॉर्म में भी होता है। अब जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना हमारा जो HPT एक्सिस होता है, अब वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सिस्टम। जैसे हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी को बोलेगा, पिट्रोटी, LH जो हमारा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, FSH है, फिर LH जाके हमारा लेडिक सेल्स है उनमें जाके बोलेगा ठीक है भाई टेस्टोस्टेरोन बनाओ, FSS जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो जाके आपका सटोली सेल को बोलेगा ठीक है स्पर्मेटोजेनेसिस करो। तो ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, ठीक है। अब अगर आप बाहर से, मान लो एक दिन आपने बाहर से कोई भी शॉट ले लिया, उसको हम बोलेंगे कि एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन है, तो जब ब्लड में बाहर से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा तो जो भी हमारे ये हार्मोनल सिस्टम चलता है ना, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है,
ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक पे चलता है। तो जब ऑलरेडी ब्लड में उतना टेस्टोस्टेरोन होगा तो वो रिवर्स सिग्नल दिमाग को जाते कि ऑलरेडी ब्लड में इतना है और आप और जो ये प्रोसेस है इसको ब्लॉक कर दो, मत बनाओ। तो जब तक आप लेते रहोगे आप, हमारा जो एसपीटी एक्सिस है वो हो जाएगा बंद, हमारे जो टेस्टिस हैं जो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करती हैं और जो स्पर्म बनाती हैं वो अब उनको काम करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बाहर से इतना आदमी की बॉडी में आ रहा है तो वो भी थोड़ा सा श्रिंक हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। अब ये मान के चलो ये जो प्रोसेस है ये 8 वीक तक चल रहा है, 10 वीक तक चल रहा है, लेकिन एक दिन आपको वहाँ पे आज तो मेरी साइकिल पूरी हो गई है, अब आपने तो लेना बंद कर दिया लेकिन जो आपका शट डाउन हुआ है सिस्टम उसको स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा ना। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग जो पीसीटी नहीं करते हैं जितना पहले वो होते हैं उससे भी ज़्यादा एकदम पतले हो जाते हैं और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं उनका, बेसिकली और लिबिडो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका मन नहीं लगता और फिर वो सोचते हैं यार अब तो मेरी इंसल्ट हो रही है, क्योंकि जब मैं साइकिल पे था, जब मैं 100-100 की बेंच पेल रहा था, टी शर्ट ऊपर करके अपनी बुलेट पे घूम रहा था और अब तो कुछ है ही नहीं, जान भी नहीं है, फिर वो बोलेगा भाई गुरुजी नहीं आ रहा मज़ा, वो कहेगा कोई बात नहीं बेटे आ जाओ, ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक रिपीटेड दोबारा बार 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 प्रोसेस हो जाता है क्योंकि उनको पता ही नहीं कि पीसीटी होती क्या है। पीसीटी का बेसिकली लोग बोलते हैं कि पीसीटी इज़ फॉर वॉशिंग आउट जो भी उन्होंने सॉल्ट लिया है, कि जो ड्रग हमने लिया उसको बॉडी से बाहर। हाँ बट आई मीन तो ये भी देखना यूट्यूब पे वीडियो कि बियर पी के ही वॉश आउट हो जाता है। हाँ बट इट्स लाइक वॉश आउट नाम का पानी पी रहे हो और वहां से सुसू करते जा रहे हो तो वॉश आउट हो गया। बट मैं आपको बता दूं फार्मास्यूटिकल लाइन में वॉश आउट का कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। आप बताओ आपको जब अभी कभी फीवर हुआ होगा, आपने आपने कोई भी पैरासीटामोल लिया होगा, क्या आपने उसको वॉश आउट करने के लिए कोई दूसरी चीज़ ली है? कोई भी ड्रग होता है उसकी एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ होती है। अब हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि आज अगर मैंने 100 mg कोई चीज़ लिया तो कितने दिनों के बाद वो 50% रहेगी, फिर मान लो उसकी हाफ लाइफ 5 दिन की है तो 5 दिन के बाद वो 50% रहेगी, फिर उस 5 दिन के बाद वो 25% रहेगी, फिर 25 का हाफ, तो ऐसे धीरे धीरे करके जो भी चीज़ है वो बॉडी से अपने आप ही बाहर जाएगी। तो वॉश आउट का कोई ऐसा चीज़ नहीं होती कि मैंने कोई कंपाउंड लिया उसको बाहर निकालने लिया मैं कोई दूसरी चीज़ लूँ। तो पीसीटी इज़ बेसिकली टू रीस्टार्ट या एसपीटी, ये जो एक्सिस है जो कि बंद हो चुका है, उसके अलावा जो भी आपके ऑर्गन्स को डैमेज हुआ है ड्यूरिंग द साइकिल, उनको दोबारा से एक्टिव मोड में लाने के लिए, उनको थोड़ा सा जो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन है उनको क्या बोल सकते हैं कि रेजुविनेट करने के लिए वो होता है प्रोसेस। उसमें थोड़ा उनको हेल्दी डाइट दी जाती है, आपके जो बोन्स हैं आपके जो जॉइंट्स हैं, आपने इतना हैवी वेट लिया है तो बेसिकली उनको दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, आराम देने के लिए, उसके लिए पीसीटी होती है, ना कि किसी पर्टिकुलर ड्रग को बॉडी से निकालने के लिए पीसीटी होती है। तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है जो कि इंडस्ट्री में है। तो ये तो होता ही है कि मेरे शरीर में मैंने इतनी सारी मेडिसिन ली हुई हैं, अब मेरे को उनको ब्लड से निकाल के क्लीन करना है ताकि मेरे टेस्ट क्लीन आए, तो इसलिए पीसीटी ले रहा हूँ मैं, तो ये क्या है, करेक्ट है? नहीं, ये नहीं, जो भी आपने ड्रग लिया है वो अपनी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग अपने आप ही बॉडी से जाएगा। आप ये चीज़ देखो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लॉन्ग ईस्टर लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने डेकाडोराबोलिन लिया है, तो वो 6-6 महीने 8-8 महीने तक आपकी बॉडी में ट्रेस उसके होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट हाफ लाइफ, एक होता है मेन रेजिडेंस टाइम, कि वो जो ड्रग की मॉइटी है उसके जब वो मेटाबोलाइज हो रही है तो उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो बॉडी में कितने दिन तक हैं। चलो बॉडी बिल्डिंग में तो डोप वगैरह टेस्ट नहीं होते, लेकिन जब आप मान लो आप कोई अच्छे स्पोर्ट्स में जाते हो फॉर एग्जांपल, जो कि डोपिंग के अंडर आता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कहीं पे भी और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स नहीं है, ओलंपिक में एशियन गेम्स वगैरह में आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इन सब चीज़ों की होती है, तो वहाँ पे दे हैव टू मेक श्योर कि जो अमाउंट है जिस दिन उनका स्पोर्ट्स से पहले उनका यूरिन सैंपल लिया जा रहा है, वहाँ पे जो डिटेक्शन की लिमिट होती है जिसको बोलते हैं LOQ, ठीक है, या फिर LLOQ, लोअर लिमिट ऑफ जो भी क्वांटिफिकेशन, तो वो हर कंपाउंड की होती है कि एटलीस्ट इतना अगर होगा तो वो उस वाले टेस्ट में जो कि टेस्टिंग का प्रोटोकॉल है उसमें आएगा नहीं। तो हालांकि चीज़ें वहाँ पे भी यूज़ होती हैं, ऐसा नहीं कह रहा यूज़ होती हैं, लेकिन वहाँ पे इतने साइंटिफिक वे में होती है कि जिस डेट को वो उनको पता है इस डेट को सैंपल जाएगा, वहाँ से बैक कैलकुलेट होके ना आए टेस्ट में, तो वो उस हिसाब से उनकी पूरी पूरी होती है प्लानिंग।
ऑल राइट तो मेरे को आप दो तीन ऐसे सॉल्ट या ऐसे ड्रग्स बताइए जो साइकिल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मैं पीसीटी की बात नहीं कर रहा, मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ, मस्कुलैरिटी की साइकिल की ओके बात कर रहा हूँ। उसमें देखो, सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल हम होते हैं और वो गलत, एक मिनट, और वो हाँ बहुत गलत है, बहुत डेंजरस ओके है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। देखो, अब जब इसका मैं पहले जो दूसरा एक्सपेक्ट है उसका पहले आंसर दूंगा। जब आप बोलते हो ना कि डेंजरस है, देखो डेंजरस तो सारे ही हैं, ठीक है, लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए कि कितनी डोज में किसको यूज़ करना है, ठीक है। अब बेसिकली जितने भी एनाबॉलिक होते हैं ना, उनकी एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक उनका क्या कहते हैं रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन है, उसका 100:100 है, या फिर 1:1 है। अब आप लेट से आप ट्रेनबोलोन ले लो, तो वो उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा एनाबॉलिक है, राइट। तो जो भी एनाबॉलिक्स होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन अगर आप स्ट्रेंथ के बारे में बोलते हो कि इनका एनाबॉलिक टू जो एंड्रोजेनिक रेशियो होता है वो होता है। एनाबॉलिक का मतलब होता है कि जो उनकी बॉडी बिल्डिंग, जो उनकी मसल साइज बढ़ाने की एबिलिटी है वो। एंड्रोजेनिक होता है जो उनके एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि एक्ने होना, और एंड्रोजेनिक और रिसेप्टर पे उनकी क्या एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि मेल पैटर्न बालनेस जो होती है वो हो गया। और भी बहुत सारे होते हैं कि उनकी एंड्रोजेनिक और रिसेप्टर पे कितनी एफिनिटी है, क्योंकि साइड इफेक्ट हमेशा एंड्रोजेनिक और रिसेप्टर पे जिसकी ज़्यादा एफिनिटी होगी, जिसकी ज़्यादा एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी होगी, उतने ही ज़्यादा साइड इफेक्ट होंगे। तो ये तो बात आ गई स्ट्रेंथ की। अभी प्रॉब्लम यह है कि जो भी गेनिंग की साइकिल हो, एक पर्टिकुलर वो बना हुआ है ट्रेंड। अगर गेनिंग करनी है तो टेस्टोस्टेरोन बोल्डिनोन प्लस आपका डीडी यूज होता है। कटिंग अगर आपको यूज़ करनी है तो टेस्टोस्टेरोन का छोटा ईस्टर टी प्रॉप ले लिया, साथ में ट्रेन ले लिया, साथ में विंस्टॉल ले लिया, प्लस एनावर क्लैन जो भी आते हैं। बट देखो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम मुझे जो फील होती है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की मार्केट में दवाई लेने जाओगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल, लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज़ लेते हो। तो अगर आपके पास 25 एनाबॉलिक हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको 25 के 25 ही यूज़ करना है। जो काम आई मीन मैक्सिमम 3 से हो सकता है, उसके लिए आपको 5 लेने की क्या ज़रूरत है? एक तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, दूसरा आपकी बॉडी पे इतना गुरुजी ने लोड पड़ रहा बताया है इसलिए आपके। 5 ले रहे हैं ना, क्योंकि खुद तो रिसर्च की नहीं, किसी ने बताया कि ये यार वाले सारे लेने, इसके साथ ही लेना, इसलिए ले रहे हैं। नहीं देखो, बात बात यहाँ पे और गुरुजी की नहीं, क्योंकि कुछ अच्छे लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो अपनी कंसल्टेंसी का चार्ज करते हैं, इसलिए हर कोई हर किसी को उनका एक्सेस नहीं है। लेकिन यार इंडिया में क्या ना, आप एक कंपटीशन जीत जाओ, आप अपने इंस्टाग्राम पे सर्टिफाइड ट्रेनर, एनाबॉलिक गुरु, सब कुछ हो जाओगे। आपके पास में आपने कंपटीशन जीत लिया तो आपको ये लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी को भी वो चीज़ें दे सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एथिकल वे में बात करूँ तो ये देना भी इट्स आप इसको बोल सकते हो कि आप पे पेनल्टी भी लग सकती है, और आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड मिलता भी है तो वो भी गवर्नमेंट की नज़र में वो भी एक बहुत बड़ा जुल्म है, ठीक है। जो भी है, मतलब मैंने जुल्म बोल दिया बेसिकली, और जुर्म होता है तो, क्योंकि ये सारे के सारे कंपाउंड शेड्यूल वो एक्स में जुल्म आते हैं। तो वो उन बच्चों पे है, उन जुर्म तो लड़कों पे है बच्चे पे हो जिनको रहा है, राइट दिया जा राइट रहा है। राइट। तो ये अवेयरनेस उनमें है नहीं कि यार ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ठीक है यार, आप अपनी पब्लिसिटी के लिए या फिर रिजल्ट देने के लिए आप इन चीज़ों को प्रमोट करो। इन चीज़ों को बिल्कुल प्रमोट मत करो। कोई आपसे आता भी है ना तो उसको ये चीज़ें बताओ कि यार देखो ये इसके फायदे हैं, ये उसके नुकसान है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसको सिर्फ फायदे वाली चीज़ें बताई जाती हैं। यार देख इसने वो लिया था, देख ये ऐसा हो गया, चल मैं भी। तो उन बच्चों को पता ही नहीं कि उसकी डार्क साइड क्या है, इसलिए उनको तो शॉर्टकट चाहिए। भाई मेरे दोस्त ने लिया था, 8 वीक में वो ऐसा हो गया, ऐप्स निकाल के घूम रहा है, चल मैं भी ले लेता हूँ, 2 महीने अपने पॉकेट मनी से पैसे बचाएगा एंड देन जाएगा सर मेरे को भी दे दो। तो आपका बस, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपका ही पूरा दायित्व बनता है, लेकिन आप सामने वाले पे छोड़ो, आप उसको प्रोस भी बताओ कॉन्स भी बताओ, फिर उसको डिसीजन लेने दो कि भाई उसको लेना है या फिर उसको उसको लेना भी है या नहीं लेना। लेकिन सिर्फ एक ही सेट बताओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको तो पता ही नहीं है, वो तो बोलेगा हाँ ठीक है भाई इससे आ रहे हैं रिजल्ट तो मुझे दे दो। या बिल्कुल, और रिजल्ट्स तो आएंगे ही ना, शॉर्ट टर्म, आएंगे शॉर्ट रन में ऑब्वियस है। रिजल्ट्स तो आएंगे ही। आप वर्कआउट कर रहे हो, आपका प्रोटीन इंटेक कितना ज़्यादा है, उसके बाद आप ये ले रहे हो, तो रिजल्ट तो आएंगे ही। हाँ और तो ऐसा नहीं है कि एक बारी जो रिजल्ट आ गए वो सस्टेन भी होंगे,
अगर आप जितना भी एजुकेशनल आपके पास हो, जितना भी अच्छा कोच हो, कोई भी पीसीटी 100% सेफ एंड सिक्योर नहीं होती। आपका एचपीटी एक्सिस डैमेज होता ही होता है, चाहे वो 95% हो, चाहे वो 90% हो, चाहे वो 80% हो। मतलब हर साइकिल को, जो भी आप साइकिल चलाते हो, हर बारी कुछ ना कुछ डैमेज आप बॉडी को दे के जाते हो, चाहे आपका अच्छा इंटरनेशनल कोच भी क्यों ना हो, एचपीटी एक्सिस आपका डैमेज होता ही होता है। मान तो लो पहली साइकिल में वो 5% हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद में अगली साइकिल जब आपने कराई तो जो उसका बेस है उसका 5% हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ब्लड वर्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ब्लड वर्क करवाते हो तो आपको अपनी बेसलाइन पता चल जाती है कि हाँ, मेरी बॉडी नेचुरली इतना टेस्टोस्टेरोन बनाती है, इतना फ्री बनाती है, इतना टोटल बनाती है, इतना FHS है, इतना LH है, इतना ईस्ट्रोजन है, तो वो आपको बेसलाइन पता चल जाता है, ताकि जब आप पोस्ट साइकिल भी ब्लड टेस्ट करते हो तो आप दोनों को मैच कर लो, आपको पता चल जाए कि हाँ, मेरी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो चुकी है या फिर पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्लड टेस्ट कराना इम्पोर्टेंट है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने स्टार्टिंग में करवा लिया। अगर मैंने आज कोई ब्लड टेस्ट करवाया है तो आज की मेरी बॉडी के अंदर की जो कंडीशन है वो मुझे पता चल रही है। हो सकता है 4 वीक के बाद में बहुत ज़्यादा एकदम से चेंज हो जाए, तो मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट की ब्लड रिपोर्ट को देखना है। ऐसा नहीं कि मैं 1 हफ्ते पहले वाली या 4 हफ्ते पहले वाली ब्लड रिपोर्ट देख रहा हूँ। या बिल्कुल। तो गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन, कौन सी ऐसी दो तीन सॉल्ट्स या एनाबॉलिक्स हैं जो बहुत हार्मफुल हैं और बहुत मास में कंज्यूम की जाती हैं? मतलब आपने बोला सब कुछ ही हार्मफुल है, बट आई एम श्योर देर आर सम विच आर ओनली हार्मफुल। नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज़ तो ये, जितना आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज होगा उतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे। उसका बेसिक रीज़न ये है क्योंकि कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ईस्ट्रोजन में ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं, राइट, और जो ईस्ट्रोजन की कन्वर्जन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, आपकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू या सेल कितने हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मेरा 18% बॉडी फैट है तो मेरे अंदर ज़्यादा इस्ट्रोजन वाले साइड इफेक्ट होंगे, मेरा इस्ट्रोजन ज़्यादा जल्दी बिल्डअप होगा उसके कंपैरिजन में जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 12 है। दूसरा, जब भी आप आपस में कंपाउंड को स्टैक करते हो, यू नीड टू मेक श्योर कि आप कोई दो ऐसे कंपाउंड नहीं या साथ में यूज़ कर रहे जिनका कि इस्ट्रोजन कन्वर्जन रेट हाई है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है कोई आप सबसे बताओ बेसिक ना, जो आप है। नाम बताओ ना दो तीन। आई नो व्हाट यू आर मैंने सेइंग, आप आप बोल रहे हो कि ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, राइट ठीक है, राइट बट आई एम श्योर एक बेसिक भी होगा कि ये एक ओके जनरली देखा गया है कि सब ओके लोगों पे ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, गेनिंग में बॉल्डिनोन और प्लस सस्टेनोन या फिर टेस्टोस्टेरोन लेते ही लेते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, दोनों को साथ में यूज़ करना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके बोली और पास में, को हाँ, क्योंकि आपके पास में और भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपको गेनिंग में हेल्प करेंगे और जिनका कन्वर्जन रेट ईस्ट्रोजन में कम होता है। तो आपका, अगर आप टेस्टोस्टेरोन भी यूज़ कर रहे हो, वो भी ईस्ट्रोजन में चेंज हो रहा है, प्लस आप बोल्डिनोन भी दे रहे हो या फिर और भी ऐसे सॉल्ट दे रहे हो जो कि, तो ये देखो ना आपकी बॉडी में कितना ईस्ट्रोजन बिल्डअप हो रहा है, और जितना ज़्यादा ईस्ट्रोजन बिल्डअप होगा उसके उतने आपको साइड इफेक्ट भी मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप बोल्डिनोन को छोड़ के आप नॉर्मल सा प्राइमाबोलन अपनी बॉडी में डाल दो एग्जाम्पल के तौर पे। और अब मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको तो अच्छा रिजल्ट चाहिए, हमको तो अच्छा रिजल्ट चाहिए। देखो, ये सिर्फ आपके परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा रिजल्ट आपको, आप डोज बढ़ा दोगे तो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा रिजल्ट। एक ना एनाबॉलिक विंडो होती है कि हाँ, इस डोज पे अगर आएगा, इससे ज़्यादा डोज आप बढ़ा दोगे तो एनाबॉलिक एक्टिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो वो स्वीट स्पॉट जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो उसमें भी फिर आपको थोड़ा सा स्मार्टली खेलना पड़ता है कि आपको पता नहीं कि आपकी बॉडी में कितने जो बेसिकली रिसेप्टर हैं वो कितने सेंसिटिव हैं, और आपका बेसिकली जहाँ बोलते हैं ना कि भाई बॉडी बिल्डिंग में, जहाँ पे वहाँ बॉडी बिल्डिंग में जिसके जेनेटिक्स अच्छे हैं वो अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली जेनेटिक्स यही होते हैं कि आपकी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस की रेट कितनी हाई है। बहुत से लोग होते हैं जो कि कम डोज में भी उनके जो रिसेप्टर हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं, क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली क्वांटिटी भी ज़्यादा हो सकती है,
और वो ज़्यादा हाई रेस्पॉन्सिव भी हो सकते हैं। दूसरा, जो हमारा एमटोर पाथवे होता है, फिर जो आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए वगैरह से, फिर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का जो भी प्रोसेस होता है, वो भी जिनके जेनेटिक्स अच्छे होते हैं वो वहाँ पे भी मेजर उनको एडवांटेज होती है, क्योंकि उनकी रेट हाई होती है। तो ये सब चीज़ें आपको आरएनडी से आएंगी, बट हाँ, आपको इन चीज़ों के लिए डीप नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे उन चीज़ को आइडेंटिफाई करूँ कि मैं जेनेटिकली अच्छा हूँ या फिर जेनेटिकली अच्छा नहीं हूँ। तो कमिंग बैक टू एनाबॉलिक्स, फिर आपको बीच में भी जो अपना ब्लड बैंक होता है वो इसीलिए होता है कि आपको इस्ट्रोजन का भी चेक करना चाहिए कि आपका इस्ट्रोजन कितना ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटर्जी आप अपनी स्ट्रेटर्जी अपनानी पड़ेगी कि उसको आप कैसे कॉम्बैट कर रहे हो। तो बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 10 15 20 मिनट में ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आई थिंक सिर्फ स्टार्ट ही हो सकता है। फिर भी आपने जो स्पेसिफिक बातें बताई हैं आई थिंक दे आर रियली रियली वैल्यूबल।